सहारनपुर से विकास कुमार हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी हाँ जी बोलिए, मैम। सवाल करिए। मैम मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी 1 महीना पहले बुखार हुआ था, प्रेशर कम हो गई थी। हेलो हाँ जी बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बताइए। मैम मेरी अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। हेलो जी जी ठीक हो गई है थी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी कुछ मेरी दिन अभी कुछ दिन पहले। पहले मैम तबीयत खराब हुई थी। जी 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 बोलते रहिए। तो मैम उसमें अब भी मुझे दवाइयाँ खा के ठीक हो गया था, फिर ऐसे ही हो रहे थे क्या? क्या हुआ था, क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? प्लेटलेट कम हो गई सर थोड़ी सी, प्रेशर, प्लेटलेट्स? प्लेटलेट कम हो जाते हैं सर बुखार में। हाँ, समझ गया समझ गया। सर मुझे 2-3 दिन से भूख भी बहुत कम लग रही है सर, रोजाना सिर में दर्द हो जाता है शाम के टाइम। हाँ, तो देखिए, एक बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है, शायद मुफ्त का ही नुस्खा है ये। और जब भी ये बुखार चलते हैं जिसमें हमारे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आती है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। तो जिसको भी ऐसा हो वो फौरन जाकर पपीते का पत्ता खा ले, एक 3-4 इंच का पत्ता सुबह को, 3-4 इंच का शाम को। ये ज़रा सा कड़वा होता है, लेकिन मैंने देखा अपने अनुभव में कि इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, किसी पैथी में नहीं है। पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, और बल्कि इस मौसम में पपीते का पेड़ अपने घर में लगाया करें ताकि आपके भी काम आए और किसी और के भी। ये पत्ता जो फेंक देते हैं ये बहुत कीमती है, इसे आप खा लिया करें, और उसी वक्त और उसी दिन आपकी प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है। आप हैरत करेंगे, आपके डॉक्टर भी हैरत करेंगे कि इतने तेज़ दवा और एक मामूली सा बेकार सा पपीते का पत्ता इतना काम कर सकता है। जी बिहार से नेक्स्ट कॉलर हैं दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो चार पांच क्वेश्चन है मेरा, एक साथ बोल रहे कि बारी बारी से बोलेंगे? बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए। उनका सिरका और जैतून का तेल दोनों में अंतर होता है? दोनों, में अंतर होता है जैतून का सिरका और तेल में? हाँ। देखिए, तेल तो वो है जिससे खाना बनता है, और सिरका वो है जो विनेगर कहते हैं इसे, जैसे गन्ने का सिरका और जामुन का सिरका और बहुत सारे सिरके आते हैं, प्याज का सिरका। जैतून का सिरका ज़रा महंगा होता है और मुश्किल से मिलता है, तो सिरका की ज़रूरत हो तो सिरका ही लेना पड़ेगा, और तेल की ज़रूरत हो तो तेल ही लेना चाहिए। जी आपका दूसरा सवाल। नेक्स्ट सवाल है, हकीम साहब काला गोंद यहाँ मिलता है वो बहुत सस्ता कहता है, आपके यहाँ बहुत महंगी है? और देखिए, आपको काला गोंद नकली बहुत मिलेगा। ये काला गोंद अपने फायदे के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, और नकली तो जितना चाहे ले लो, एक दो ट्रक रोज ले लो, लेकिन वैसे काला गोंद कड़वा होता है और ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन यानी क्या कहते हैं, ब्राउन को, ब्राउन कलर का होता है, जायके में इतना कड़वा होता है कि नीम, करेला और जितनी कड़वी चीज़ें हैं उसके आगे बिल्कुल तुच्छ है। तो मैं तो कभी एक चुटकी खा लेता हूँ तो बहुत मुश्किल से कड़वाहट जाती है, कुछ खाना पड़ता है खट्टा या मीठा, तब मेरा स्वाद ठीक होता है। तो नकली मत लीजिए, कई लोग नकली बेच रहे हैं, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि नकली न लें। जी और सवाल? जी दुर्गा प्रसाद जी, कोई और सवाल? नेक्स्ट सवाल है, मुझे बीपी का शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, नींद के लिए दवा खानी पड़ती है, हथेली तलवा में जलन रहता ठीक है। है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल जलन। उसके लिए आप सिरका अगर नहीं भी ले सकते हैं तो आप जैतून का नमक ले सकते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले भी ले सकते हैं, और वो आधा ग्राम रोज़ाना खाने से भी
आपको फ़ायदा मुमकिन है। जैतून का सिरका भी आप ले सकते हैं। अच्छा, ये देखने में बड़ा महंगा लगता है लेकिन 10-12 रुपए रोज़ की खुराक पड़ती है, तो आपको लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन जब आप ये करेंगे, जैसे 100 ग्राम भी आपने लिया तो वो 3 महीने 10 दिन चलता है, क्योंकि आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाना होता है। तो दवा के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सस्ता है, आप देख सकते हैं जो आपके लिए आसानी है। जी, अगले कॉलर यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका, नाम बताइए। जी, हमारा नाम अब्दुल रऊफ नाम है हमारा। जी जी, आपका सवाल। से बोल रहे हैं सवाल। जी, अजीम साहब से बात करनी है। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ, रऊफ साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, जीते रहिए, बताइए। जी, हमारी बीवी की तबीयत गैस गैस का मर्ज हो गया है साहब। तो जब चलती हैं तो 10-20 कदम चले तो इनकी गैस ऊपर को भाग के आके सीने पर रुक जाती है, हल्का हल्का दर्द होने लगता है। तो इसकी दवा कोई बता दीजिए, थोड़ी देर बैठ जाए तो सुकून हो जाता है, चले फिर वो हो जाता है, थोड़ा आगे तक नहीं जा पाती। अच्छा, वजन कितना है, उम्र कितनी है उनकी? उम्र 40 साल है लगभग। ठीक है। अच्छा रऊफ साहब, देखो गैस की वजह से आदमी का सांस नहीं फूलता और ऐसा नहीं होता कि चला ना जाए, गैस की वजह से पेट में तकलीफ हो सकती है, सांस नहीं फूलता। आप इनको इनका हार्ट का मुआयना कराएं, उसका चेकअप कराएं, और एक अगर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है और गैस का कुछ प्रॉब्लम है तो जैतून का सिरका 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम पानी में मिला के दें। इस उम्र में चर्बी बढ़ने लगती है और कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हमारे दिल के पास चर्बी होती है, दिल की रगों में भी चर्बी भर जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉकेज कहते हैं। ये वो हालात लग रहे हैं, आप अगर मायना करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, नेक्स्ट कॉलर यूपी से ही हैं, राम कुमार जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी सर, हमारे मैडम का जो है पेट बड़ा हो रहा है। मैडम का पेट बड़ा हो रहा है यानी फैट बढ़ रहा है? फैट बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए मैडम को खाना कम दीजिए, जितनी खुराक है उससे आधी, और पानी खूब दीजिए, 5 बार गर्म पानी गर्मा गर्म आप उन्हें पिलाएं, 1 घंटा पैदल चलाएं, और पैदल नहीं चल सकते तो धूप में ज़रूर बिठाएं 1 घंटा, और इससे भी वज़न कम होता है, गर्म पानी पीने से भी पेट कम होता है, और अगर फिर भी ये वेट बढ़ता ही रहे तो आप रोज़ाना एक बार जैतून का नमक आता है वो आधा ग्राम गर्म पानी में मिला के पिलाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, और पानी जितना गर्म पी सकें इतना अच्छा है, तो इससे भी वज़न कम होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसे कि कॉलर हमारे साथ जब अभी जुड़े थे हकीम साहब, उन्होंने जैतून का सिरका और जैतून के नमक के बारे में बात की, और जैतून का जो तेल आता है उसके बारे में भी यहाँ पर दर्शक ज़रूर जानना चाहते हैं। जैतून का जो सिरका है, अगर उसे हम डेली रूटीन में यूज़ करें, खाने बनाने में, सलाद में, या फिर हम और किन किन चीज़ों में जैतून के सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखिए, ये सिरका अजीब व गरीब है जी, दुनिया का बेहतरीन सिरका माना जाता है जी, इसलिए इसको मिलने में भी दुश्वारी होती है, इसकी डिमांड बहुत होती है। इसको अगर यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज़ होता है, एक तो ये कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन है, एक ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, एक ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है, पेट को एसिडिटी को कंट्रोल करता है, और ये इसका इंटरनल यूज़ है। और एक्सटर्नल यूज़ के लिए कभी जैतून का सिरका कॉटन में थोड़ा सा लगा के आप अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर लगा रहने दें, आप देखेंगे कि आपका चेहरा इतना साफ हो गया, फिर आप पानी से धो सकते हैं, तो बड़े बड़े जो वो होते हैं ना चेहरा धोने के क्या क्या आते हैं, फेस वॉश जी जी, ये उसके सामने ये सब फेल है जी। कभी आप इस्तेमाल करके देखेंगे एकदम चेहरा दमकने लगेगा, यानी मैं यहाँ आता हूँ तो कभी कभी उससे
लगा के और मुंह धो के आ जाता हूँ आपके चैनल पे। बिल्कुल। तो वो चेहरा ऐसे चमकता है जैसे बुढ़े आदमी का जवान आदमी लगने लगता हूँ। जसमीत है दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी, जी बताइए। मेरे ना पेट से एलर्जी है और ये और ये ना कमर पे तान में से निकलते हैं कीले सी जी। और सर के अंदर भी दाने दाने से हैं। क्या ही करना है सेवा। उम्र बता दीजिए आप। 26 साल। तो देखिए ये उम्र है ऐसी कि जहाँ दाने वहाँ से कीले ये सब होता है। ये 14 से आपकी उम्र तक ये कुछ बच्चों को बच्चियों को होता है। तो अगर किसी को इससे निजात चाहिए तो जैतून का, अभी नमक की बात चल रही थी, वो आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिलाकर, आधा ग्राम भी नहीं तो एक चुटकी में ही लें, यानी आधे से भी आधा ग्राम एक गिलास पानी में मिला कर पिया करें। ये जायके में नमकीन नहीं होता, लेकिन ऐसी चीज़ों का जो आपने बीमारी बताया इनका दुश्मन है। पेट ठीक करता है, खून को ठीक करता है, स्किन को ठीक करता है और मुहासों को के लिए भी बहुत ख़ास है। बिल्कुल। तो हकीम साहब एक छोटा सा नुस्खा दर्शकों के लिए आज के लिए। देखिए नुस्खा तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस वक्त तमाम दुनिया बहुत तकलीफ में है और ये जो महामारी चल रही है इसको हल्के में ना लें, हर शख्स इससे बचे। और अगर एक रोटी कम भी खानी पड़े तो एक खुराक इम्यूनिटी की ज़रूर लें। इम्यूनिटी की खुराक बहुत अच्छी है माजून आर केयर। एक खुराक अपने बुजुर्गों को और अपने बच्चों को और ख़ुद भी लें तो आपको फ़ायदा मुमकिन। सागर से स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या नाम है? जी सवाल आपका। सर हसीन साहब के पास। जी जी हेमलता जी बताइए क्या सवाल है। सूखी खांसी आ रही है सर। सूखी खांसी आ रही, कितने दिन से और कितनी उम्र है आपकी? 45। कितने दिन से आ रही है? मैं 1.5-2 महीना हो गए। ठीक है, सबसे पहले आपके किचन में जो पीपलें कहलाती हैं, पीपलें ये 1.5 इंच की इतनी लंबी लंबी बड़ी खूबसूरत सी काली काली पीपलें होती हैं, गरम मसालों में पाई जाती हैं, वरना आप सर्च कर लें वैसे आपको पता होगा पीपलें क्या होती हैं। ये आधी पीपल तोड़ के चबा के खाएं रोज़ाना और गर्म पानी पिए 5 बार। हो सकता है किसी दवा की ज़रूरत ना पड़े, 1 हफ्ते तक लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम अच्छी होना मुमकिन है। अगर किसी भी सूरत ना हो तो आप फिर माजून आर केयर खाएं लगातार कई महीने तक, इससे भी आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं, सौरभ स्वागत है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं उज्जैन से बोल। ठीक है, प्रश्न करिए। मेरे फादर वो डायबिटिक पेशेंट है और हार्ट पेशेंट भी है। कब से? लगभग 10 साल 12 साल। एज क्या है उनकी? एज अभी उनकी है 67। ठीक है। तो सौरभ देखिए एक ऐसा भी सिरका आता है भारत में कि चाहे वो मुश्किल से मिलता हो लेकिन वो डायबिटिक मरीज़ों के लिए और हार्ट के मरीज़ों के लिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए सोना कहलाता है। सोना 3 चम्मच रात को सोते वक्त इन्हें 1 गिलास पानी में छोटे चाय के चम्मच टीस्पून जिसे कहते हैं मिला के पिला दिया करिए। और ज़्यादा रोग है तो दिन में भी दे सकते हैं, 1 बार 2 बार भी दे सकते हैं। इससे इनको 2-3 फायदे बहुत अच्छे होंगे कि एक तो डायबिटीज़ एक स्तर पर रहेगी, वो दवा भी दें जो खाते हैं, मैं उसे छोड़ने को नहीं कहता, एक स्तर पर रहेगी। और ब्लड प्रेशर या दिल का बड़ा ख्याल लगता है और पैरालिसिस नहीं होने देता, गैस का एसिडिटी का मर्ज नहीं होने देता। और इससे भी बड़े फ़ायदे ये हैं कि किडनी का बड़ा ख्याल लगता है क्योंकि इतने पुराने मरीज़ को कहीं ना कहीं दवाओं के नुकसान झेलने पड़ते हैं, हमारी किडनी, हमारे लीवर को, हमारे आँतों को, हमारे
पेट को, तो ये उन नुकसानात को रोक लेता है, वरना फिर हमारी किडनी का नंबर आता है, हमारे लीवर का, हमारे दिल का, ये इन तीनों का बड़ा ख्याल रखता है। आप इन्हें देना शुरू करें और आपके पिताजी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं जी।